केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के बाद राष्ट्रीय राजधानी में हालत पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को एक बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक से निकलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि गृह मंत्री के साथ किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, सभी लोग दिल्ली में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे, ऐसा आश्वासन मिला है। बैठक में तय हुआ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दिल्ली की समस्या को खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहले लग रहा था कि निचले स्तर पर पुलिस के पास कमी है, लेकिन गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उससे निपटने की कोशिश होगी, शांति व्यवस्था कायम करने की हर कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी चाहते हैं कि हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। उन्होंने ये भी बताया कि कई पुलिस वाले घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। मंगलवार सुबह से ही दिल्ली के ब्रह्मपुरी, मौजपुरी, कबीर नगर और करावल नगर समेत कई इलाकों में बवाल के साथ सुदामापुरी में भी पथराव शुरू हो रहे हैं। हालात काफी बुरे हो गए हैं, गलियों में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं मौजपुर में फायरिंग की कुछ घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मौजपुर में 6 लोगों को गोली लगने से की सूचना है। इस दौरान एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालांकि इस घटना की पुलिस आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर रही है। वहीं गोकुलपुरी में सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। आप भी सुनिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा। पिछले 2 दिन से हालात शांति व्यवस्था के खराब होते जा रहे हैं दिल्ली के कुछ इलाकों में, खासकर पूर्वी दिल्ली में। वो बहुत ही हमारे लिए चिंता का विषय है, सभी दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विषय है। और मेरी दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। जिसके जो भी मामलात हैं, जिसके जो भी मसले हैं, सभी मसले शांतिपूर्वक बैठ के समाधान हो सकते हैं। हिंसा से किसी का कोई समाधान नहीं निकलने वाला, ना इस तरफ का समाधान निकलेगा ना उस तरफ का समाधान निकलेगा। तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। एक पुलिस वाले की, एक हेड कॉन्स्टेबल की मौत हो गई, कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं, इसके अलावा कुछ और सिविलियंस की मौत हुई है। ये भी सब लोग जिनकी भी मौत हुई है, पुलिस वाले भी और जो सिविलियंस थे, वो सब हमें हमारे ही थे, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही दिल्ली के लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। तो जैसे जैसे अगर हिंसा बढ़ती है तो कल को किसी का भी नंबर आ सकता है, वो भी किसी ना किसी परिवार के सदस्य थे जिन लोगों की मौत हुई है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। जिन लोगों के घर जल गए वो अच्छी स्थिति नहीं है, जिन लोगों की दुकानें लूट गई वो अच्छी स्थिति नहीं है, जिन लोगों की गाड़ियां मोटरसाइकिल चली गई जल गई वो अच्छी स्थिति नहीं है। और इसमें सभी लोगों का नुकसान हो रहा है, कल को आज किसी का हो रहा है, कल को किसी और का होगा। अभी अभी मैंने एक मीटिंग ली थी जिसमें जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनके सभी विधायकों को बुलाया था, चाहे बीजेपी के विधायक हों चाहे हमारी पार्टी के हों, दोनों के विधायक आए थे और सभी सीनियर ऑफिसर्स थे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के। और जो उसमें निकल के आया वो ये कि एक तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को सबको आदेश दिया गया है कि वो मुस्तैदी से काम करें, सभी हॉस्पिटल्स तैयार रहें, अगर जो भी इंजर्ड लोग आते हैं उनको तुरंत अच्छे से अच्छी उनको इलाज मिलना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट वालों को आदेश दिया गया है कि उनको एक दिक्कत ही आ रही है जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर पहुँचने में, तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो लोग वहाँ पे समय पे पहुँचें। सभी विधायकों का एक जो कॉमन शिकायत थी वो ये कि पुलिस का संख्या बल बहुत कम है, पुलिस की संख्या बहुत कम है और पुलिस को नीचे पुलिस को एक्शन लेने की पावर्स नहीं है। जो लोकल लेवल पे विधायकों ने भी पुलिस से बात की तो वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जब तक उनको ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे कि अगर उनको अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको लाठी चार्ज करने की, हवाई फायर करने की, उनको जब तक ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। ये ज़रूरत है। जो अभी मैं अमित शाह जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ 12 बजे, तो उनसे भी गृह मंत्री जी से ये इसकी जिक्र करूँगा। इसके अलावा बॉर्डर के जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ के विधायकों ने कहा कि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उन बॉर्डर्स को सील करने की ज़रूरत है और प्रिवेंटिव अरेस्ट करने की ज़रूरत है जो जो लोग पे शक हो। मैंने अभी डायरेक्शंस दिए हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं और SDMs हैं उनको कि वो मुनादी करें और पीस मार्च निकालें लोकल पुलिस के साथ मिलके
और लोगों को शांत और शांति बनाए रखने की अपील करें। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।